जी सारे वेखन वालेयां नूं अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनव्वर ते तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल या डेयरी इनफॉर्मेशन। ते उम्मीद है कि सारे वेखन वाले वीर भरा खरीयत नाल होणगे ते अपने जानवरां दा वी सही तरह ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह कि पहलियां वीडियो दे विच तुहानूं विखाया बकरियां दे बारे च जिहड़ी कोई मालूमात हुंदी तुहाडे नाल शेयर करी दी है, तुहाडे कोलों मशवरा लईदा है। ते ए हुण वेख रहे हो साढ़े कोल इस टाइम सुबह दोपहर दे तकरीबन 2:30 का टाइम है, लेकिन जिहड़ी धुंद है ना वो दोबारा शुरू हो गई पैनी। ठीक है जी, तो ठंड दे विच असी जिहड़ी गल करना चाह रहे हैं तुहाडे नाल ओह है कि जिहड़ा गां है मझ है उहनू अंदर गर्म उहदे रखण वास्ते की देना चाहीदा ते उहदा की तरीकाकार है वो जनाबे वाला तुहानू दसने आ। ते वेखो अगर साड़ी वीडियो अच्छी लगे तो इन लाइक करो, साडे चैनल नू सबसक्राइब करो। तो विखाने तुहानू कि हुण आ जिहड़ी साड़ी गां दे कोल मैं तुहानू लै के जा रहा वा, आ गां है। इहनू असी आम तौर ते इहनू कहीदा जी मिठा तेल। मिठा तेल जिहड़ा ना वो देन लगे हैं, तुसीं कहोगे दोपहर का टाइम है तो मिठा तेल जिहड़ा वो दे के तो बाद दे विचों डंगर नूं कोई खाण पीण लई चीज़ नहीं देनी चाहिए। सब साड़ियां एवें वहम ने, तुसीं जानवर नूं सिर्फ ये वे कि अजकल पता जे गावां दे वैसे ही पानी घट पीदियां। अगर तुसीं टाइम नाल हुण 4 बजे 4:30 बजे ठंड चंगी भली हो जाती तो तुसां इहनां नूं अंदर करना हुंदा खास तौर पर गोके माल। तो वो ये वे कि असी हुणे देन लगे हैं मिठा तेल जिहड़ा कि तिलां दा तेल जिहनूं कहा जांदा है। वो तकरीबन साडा टारगेट है कि इस गां नूं असी 3 तों 4 किलो तेल जिहड़ा ना वो देना है। लेकिन इहदे विच एक थोड़ी जी खराबी इस गां दे विच कि इह मूँह नहीं फड़ांदी। इह हुणे वेख्या जे मुंडा मूँह फड़ेगा तो की करेगी अगों। अच्छा जी, ये गां जिहड़ी है ना असीं हुण पहलां तां इहनूं पियावांगे पाणी, अगर इहने पीणा तां पी लवे, नहीं पीणा तां ना पीवे, इहदी मर्ज़ी है। लेकिन जिहड़ा पट्ठे ने ना वो असीं इहदे अगों नहीं हटाणे, वो रात भी दिल करे तां इहदा खांदी रहे, क्योंकि उहदे नाल कोई फर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं हुंदा। असीं तां साडा तजर्बा दे ही दसदा। हुण आ मुंडा वेख्या जिहदा मूँह फड़न लग्या, लेकिन इह मूँह नहीं फड़ांदी, तां असीं इहनूं तेल देण दा तरीकाकार जिहड़ा बणाया वी तुहानूं दसने आ। ज़रा फड़े ना मूँह यदा, नहीं तो वैसे वेख वेंदे हो पे ना रखी जिहड़ा कि जानवर नूं असीं तेल छेल देने। ऐ वेखो इहने मूँह नूं हाथ भी नहीं लवाना, छड़ दे छड़ दे छड़ दे, ऐ ते वेख ही रहे हो समान है जी। इहनूं गां नूं पाणी विखा समान, इहनूं असीं पाणी पिया के ते मिठा तेल जिहड़ा तिलां दा तेल है वो देना है। हुण वो देना किस तरह है वह तरीकाकार भी तुम दस नहीं, अगर किसी के काम आ जाए चीज़। उम्मीद है कि असी तो मसाला भी इस तरह ही देने। अजकल जनाबे वाला कोशिश ये करया करो कि जानवर नू जिहड़ा ना गां मझ है भेड़ बकरी है घोड़ी है इनू पानी ताज़ा डाओ। अगर मोटर की सहूलत नहीं है नलका घड़ी घेड़ना भी पवे तो कोई गल नहीं, ये नहीं कि रात का खुरली च पानी खलोता है जिवें है वेखो, तो वही सवेरे उठ के तुसी इन्हां नूं डाह देना या दोपहर ही डाह देना, क्योंकि अजकल धुप्प ते निकल नहीं रही ते वो पानी दा टेंपरेचर जिहड़ा वो उत्थे दा उत्थे ही रहिंदा ते उहदे नाल जानवर जिहड़ा बीमार हो जांदा। बाद दे विच फिर जी डाक्टर नूं सद्दो ते नुस्खे लाओ ते इंज करो ते उह करो, ते इस लई थोड़ी जी बंदा तियार कर ले के ताज़ा पानी डाह दे। अगर बिजली नहीं है ते घड़ी इंतज़ार कर लवो, लेकिन पानी जिहड़ा ना ताज़ा निघा पानी डाया करो। लो जी असी हुणे मिठा तेल देने लगे हैं, उहदा तरीकाकार भी तुहानूं दसने। दूजा माल भी तुहानूं अपना बकरे भी जरा विखा दईए, ठंड है लेकिन ये कि साडी कोशिश यही कि टाइम नाल खा पी के 4 तों 5 बजे त्रेल पैण तों धुंद पैण तों पहलां पहलां अंदर हो जाणा जी। विछेरी साडी ने वेख लो वाल सर्दी की वजह तों खिलारे ने,
देखो बच्चा भी खा रहा लेकिन कट्ठा होया ठंड की वजह तो, इसलिए जानवर टाइम नाल शाम नूं अपने अंदर करिया करो। भाई आ कुत्ता साडा इहनू असीं ना थोड़ा जिहा शाम नूं गुड़ पा देईदा, इह वेख लो इंज जिवें शेर हुंदा। इह साडी हवेली दा जिहड़ा ना बाडी गार्ड। अच्छा जी एक गल होर जिहड़ी मेरे ज़हन च आई है उह इह वी कि आ वेख लो आ मुर्गियां ना, आ जिहड़ा मुंडा सुभान इहनू बड़ा समझाईदा कि इहनां नूं पठ्ठिआं दे नेड़े ना जाण दिया कर, जिथे पठ्ठे बहे होंदे ने हुण आ पठ्ठे ने कज्जे ने, लेकिन अगर वेठ कर देण गां तुहाडी खा लवे जानवर खा लवे तो फौरी बीमार, तो इसलिए छोटिया छोटिया त्यातां ने जिन्हां जे असीं लापरवाही करने आ ते बाद दे विचों फिर डाक्टर साहबान की मौज लगती है। ये चीज़ा जड़िया ने अगर थोड़ा जहा असी ख्याल कर लीए इन चीज़ों का ये थानू आप नू करना पेगा, बंदे जड़े ना वो नहीं जो करते। हाँ जी मुर्गियों के भी इंशाला किसी दिन वीडियो बना के तुम विखावे। अच्छा जी आ वेख रहे हो चौकर है, ये तकरीबन दो ढाई मुठा चौकर जोड़ा वो तुम ले लवो, तो ये असी पाया वे दाबड़े के हूँ जोड़ा ना तिलों का तेल मिठा वो जिनी मकदार असी देनी है असी जिनी दे रहे हैं तो दसने उस हिसाब ना वो असी मिक्स कर देना। है जी साडा तूड़ी वाला गोदाम है, बकरियां की तूड़ी असी रखी है, इनू ना छाण भी लई दा जड़ी मिट्टी छिट्टी वो निकल जाती है। अच्छा जी तुम दस्या दो मुठा चौकर दाल गिलास पिया है, गिलास असी तोलिया पाइए का एक पा असी तेल जड़ा ना वह गां नूं देना है एक दिन छड़ के दूसरे दिन, ठीक है। तो यह तेल पाण लगा मुंडा कर भी पूरा इन पाइया पूरा करे ना गिलास, यह मिठा तेल है तिलों का तेल जिन्हों असी आने, तो ये असी मिक्स करके गां दे अगे रख देना, तो विच मसाला भी है गां जी मूँह नहीं फड़ाती तो इन मसाला जड़ा असी ना वो अजक जो सर्दियों के बनाया भी तुम दसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नुस्खा तो दसने सुखा मसाला बना लो जोड़ा जानवर मूँह नहीं फड़ा चौकर जोड़ा ना वो मकदार भी तुम दसने उस हिसाब न दे दिता वंडे च पा दिता। अच्छा जी यह वेख रहे हो तुम यह मसाला असी तो साढ़े को दो गावं ने उन्हों की जरूरत के मुताबिक बनवाया, तो ये जनाबे वाला मसाला वे हर मौसम वास्ते वैसे तो गां माझा वास्ते चंगा, लेकिन सर्दियों के स्पैशली असी जिहड़े साड़ियां गावां ने मूँह नहीं फड़ांदियां तो इन्हां नूं असी चौकर वंडे दे विच मिक्स कर दिंदे आ। औले भेड़े हरीड़ जवैन सौंफ ते काला नमक ते तुम्मा, हाँ जी ये चीज़ां हसबे हम वजन ले लैणियां ने, मतलब एक वजन दे हिसाब नाल अगर पा हरीड़ां ने ते पा ही औले ते पा ही मतलब काला नमक पा ही सौंफ पा जवैन, तो ये तुसी असी तो जो भी तेल देईदा या मतलब ये कि वंडा देईदा एक चमची पा देने एक चमची सुट दे सुभान ये वेखो एक चमची असी पा देनी है। ये ना जनाबे वाला बादी लकड़ हजम पत्थर हजम हर चीज़ जी है ना वो गां मज उनके बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये हम सारिया चीज़ा तो जनाबे वाल दस दिखाई हूँ ये गां के असी अगे रख